दोस्तों, क्या हरियाणा इस बार इतिहास बनाने जा रहा है? यह अपने आप में बड़ा दिलचस्प है जो चुनाव आयोग का आंकड़ा हरियाणा को लेकर बता रहा है। दोस्तों, हरियाणा में गजब का उलटफेर हुआ। आज सुबह जब से बैलेट पेपर खुले तो भी तमाम न्यूज चैनल्स ने हरियाणा में कांग्रेस को बहुमत का आंकड़ा छुआ दिया। उसके बाद ईवीएम खुली तो भी बहुमत का आंकड़ा कुछ न्यूज चैनल्स ने तो 60+ दिखा दिया। लेकिन अचानक से खेल तब पलटा जब 9:30 बजे के बाद चुनाव आयोग ने अपने आंकड़े जारी किए। ताजा आंकड़ा वीडियो रिकॉर्ड करने तक मैं आपके सामने रख देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव आयोग बहुमत का आंकड़ा फिलहाल रुझानों में दे रही है। रुझानों में जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को 48 सीट्स मिलती दिखाई दे रही है, जो कि 45 सीट जो कि बहुमत का आंकड़ा है उससे आगे है। वहीं कांग्रेस बहुमत के आंकड़े से दूर दिखाई दे रही है और जो फर्क है दोस्तों वो भी अच्छा खासा है। हालांकि दोस्तों जानकार ये भी बताते हैं कि ये जो आंकड़ा अभी चुनाव आयोग का दिखा रहा है ये थोड़ा लेट दिखाता है। चुनाव आयोग को उसका आंकड़ा जारी होता है उसके बाद उसको अपलोड करने में, इकट्ठा करने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है। हालांकि न्यूज चैनल्स का आंकड़े भी चुनाव आयोग के आंकड़े के बाद पलट चुके हैं। दिलचस्प ये भी है समझदार दोस्तों, बहुत से जानकार ये भी बताते हैं कि क्योंकि हरियाणा एक छोटा राज्य है तो यहाँ पर कई राउंड की अभी काउंटिंग होनी है। अभी केवल 2-3 राउंड की काउंटिंग ही हुई है तो अभी बहुत जल्दबाजी होगा ये कहना कि क्या यही फाइनल नतीजे हैं। लेकिन ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प है, इसने रोचक बना दिया हरियाणा का चुनाव। और ये बताता है दोस्तों कि फिलहाल इन रुझानों के हिसाब से बीजेपी फाइट में है, बीजेपी ने मैदान नहीं छोड़ा। और कांग्रेस के लिए ये बड़े सोचने वाली बात है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो क्योंकि कार्यकर्ता एकदम मायूस हो गए जैसे उन्होंने चुनाव आयोग का आंकड़ा देखा तो न्यूज चैनल्स में भी आंकड़ा बदल गया। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए आए तो मीडिया के लोग वहां पर मौजूद थे। हुड्डा साहब बार बार कह रहे थे कि बहुमत हमें आएगा, हम सरकार बनाएंगे, कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी, हमें इंडिपेंडेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, निर्दलियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन चेहरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बता रहा था कि पार्टी नेतृत्व के अंदर भी इस बात को लेकर असमंजस है कि ऐसा आंकड़ा कैसे आ सकता है, क्योंकि जितने भी लोग फील्ड पर उतरे, चाहे वो यूट्यूब के लोग हों, चाहे वो टीवी के पत्रकार हों, हर कोई ये कह रहा था कि हरियाणा में जो स्थिति है वो बीजेपी के लिए बहुत खराब है और कांग्रेस के लिए विन-विन सिचुएशन है। लेकिन फिलहाल जो रुझान अभी के हिसाब से बताते हैं वो ये बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग में के अभी के रुझानों के हिसाब से बहुमत के आंकड़े से दूर है और बीजेपी चुनाव आयोग के हिसाब से बहुमत का आंकड़ा फिलहाल छू रही है रुझानों में। आपके हिसाब से दोस्तों क्या आने वाले वक्त में, आने वाले 2-2.5 घंटे में माहौल बदल सकता है या आंकड़ा बदल सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।